नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएस पे, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक स्टेटमेंट के ऊपर, जहां पर कश्मीर का नाम लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले अभी कुछ ही समय पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान में चुनाव हुआ, या चुनाव के नाम पर जो भी हुआ, तो उसमें अभी जो नए पीएम बने हैं वो बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, तो शहबाज शरीफ जब बने तो इन्होंने अपनी पहली विजिट सऊदी अरेबिया करी। जो पहली बार ये करी वो सऊदी अरेबिया में करी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई पीएम बनते हैं तो सबसे पहली बार वो विजिट जो करते हैं वो करते हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब वो सऊदी अरेबिया जाएंगे तो वहाँ से उन्हें कुछ लोन्स मिल सकते हैं, साथ ही साथ उनके FDI प्रपोजल्स और बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो सबसे पहली विजिट जो करते हैं वो सऊदी अरेबिया करते हैं। तो क्या है पूरा मैटर और इस विजिट के दौरान हमारा कश्मीर मुद्दा फिर से क्यों उठ गया, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है, तो चलिए आगे जानते हैं क्या है पूरा मैटर। तो यहां पर आप एक न्यूज देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ मीट सऊदी क्राउन प्रिंस डिस्कस कश्मीर इशू। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये आप फोटो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के पीएम की है। तो ये सऊदी अरेबिया जब पहुंचे तो इनका स्वागत जो किया हुआ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा किया गया, और इनकी जो ये मतलब सेटलमेंट्स हुए हैं ये इन दोनों के बीच में हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 से 5 सालों के लिए 60 से 70 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये 70 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा था पाकिस्तान, एक्सपेक्ट कर रहा था सऊदी अरब से, पर सऊदी अरेबिया ने क्या किया, इनको कर्ज के लिए तो बेसिकली मना ही कर दिया कि वो लोन अभी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, पर लेकिन एक वादा किया है कि साथ ही साथ उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स ये उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो भी कंट्री, कोई भी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान एंड वट एवर, ठीक है, कोई भी कंट्री, हर किसी कंट्री को क्या चाहिए होते हैं, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा FDIs वगैरह आए, ताकि उनकी एक वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ पर इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पहले वाले जो वो थे PM थे, इनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 60 से 70 बिलियन डॉलर मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनकी एक्सपेक्टेशंस रही थी। पर और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक बार अभी क्या हुआ था, इंडिया ने भी, इंडिया की एक बार जब सऊदी अरेबिया से मुलाकात हुई तो उन्होंने यहाँ पर बात करी थी 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया तो ये सोच सकता है और इंडिया इसे पूरा भी कर सकता है कि भैया आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आइए, पर पाकिस्तान जैसे देश में 60 से 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थी बेसिकली कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हुई या नहीं हुई, इनके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ की कश्मीर का क्या मुद्दा है। तो दोस्तों चलिए देखिए, यहां लिखा हुआ है कि पीएम शहबाज क्राउन प्रिंस सलमान एग्री टू, यहां पे देखिए एक्सपेंड, ठीक है, 5 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जहाँ पे ये 60 से 70 बिलियन डॉलर की एक्सपेक्टेशन करे हुए थे, वहीं पर उन्होंने कहा कि लोन तो अभी हम नहीं प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, पर लेकिन हम आपको 5 बिलियन डॉलर जो मतलब जो 5 बिलियन डॉलर का मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बात हुई है सऊदी अरब और किसके बीच में, जो PM है शहबाज, ठीक है, तो शहबाज शरीफ के बीच में। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले भी जो पीएम रह चुके हैं उन्होंने इसके पहले एक न्यूज़ ऑफिशियली डिक्लेयर की थी, जिससे कि सारी कंट्रियों में ये झटका लगा कि ओ माय गॉड कि इतना बड़ा अमाउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम कक्कर से सऊदी अरेबिया टू इन्वेस्ट 25 बिलियन डॉलर इन पाकिस्तान ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। सॉरी, जो सऊदी अरेबिया है वो आने वाले 5 साल में 25 बिलियन डॉलर स्पेंड करेगा, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये इनकी न्यूज़ इन्होंने डाली थी कि इन्होंने अपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट अप टू 25 बिलियन इन पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, तो ये इनके द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट थी, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस बढ़ेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो बेसिकली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अभी जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं उन्होंने सिर्फ 5 बिलियन डॉलर की बात करी है। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई।
रही होगी। इसी के साथ साथ देखिए पाकिस्तान के पास पाकिस्तान क्या रहता है, ज़्यादातर तीन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहता है। एक तो हो गई सऊदी अरेबिया, दूसरा हो गया यूएई और तीसरी हो गई चाइना। इन कंट्रीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है कि भाई यहाँ से मुझे लोन मिल जाए। इसीलिए जब भी कोई पीएम बनता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि वो इन सभी से मुलाकात करे, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे है कि पीएम मोदी सऊदी अरेबिया क्राउन टारगेट द 100 बिलियन डॉलर मतलब एफडीआई इन इंडिया। तो ये भी इनके द्वारा ही बात करी गई थी कि इंडिया के साथ 100 डॉलर इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि वहाँ पर जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 60 से 70 मतलब हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे जो पहले के पीएम रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर इंडिया तो उसे चलो इंडिया का बनता है कि भाई इंडिया उसे संभाल सकती है या इंडिया ऐसा कर भी सकती है, पर लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान अगर ऐसी बात कर रहा है तो ये एक बड़ी सी स्टेटमेंट हो जाती है। चलिए अगला यहाँ पे आता है कि इसी के साथ साथ दोस्तों अब पाकिस्तान करता क्या है, पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि जब भी उसके साथ किसी भी एक्सटर्नल पावर जो भी आपके फॉरेन पावर्स हैं उनके साथ जब उसकी मीट हो तो कहीं ना कहीं वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की बात करे, ठीक है। तो कश्मीर हमेशा से ये चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसे कहीं ना कहीं यूनाइटेड मतलब यूएन में खींचा जाए, राइट, तो यूएन उसके लिए डिसीजंस दे। तो उसी पे क्या हुआ था कि कश्मीर जब पाकिस्तान जब भी किसी से मिलता है तो उस मुद्दे पे बात करता है, तो उसके कई बार उसने ऐसा किया है। तो उसमें हमारी जो इंडिया है उसने साफ साफ स्टेटमेंट दी जो भी कंट्रीज के ऊपर बात करती है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मैटर है, ये हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और किसी कंट्री को इसमें बोलने की वो इजाज़त नहीं देता है, राइट। तो ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट देना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसको इंडिया को डेवलप करना, सभी जो बड़ी बड़ी जैसे कि बड़े बड़े देश हैं उनके सामने ये बोलना, यूएन के सामने ये बोलना, इसको इंडिया ने कमाया है, ठीक है, तो इंडिया ने इसके ऊपर वर्क किया और ये एक दो साल में नहीं बनी है, ये बहुत सालों में बनी है। तो ऐसा ही होता है कि एक बार क्या हो गया था कि जो जर्मनी, ठीक है, तो यहाँ पे एक देखेंगे जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मैटर पे एक बार बोल दिया था, उन्होंने कहा था कि जो भी कश्मीर का मैटर है उसे सॉल्व कराया जाए यूएन के द्वारा, ठीक है। तो उस पे हमारे देश की जो हमारे जो कंट्री है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ये हमारी और उनके बायलैटरल मैटर्स हैं, अच्छा होगा कि आप इसके बारे में ना बात करें, ठीक है। तो ये एक बार इस तरीके का हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पे आप ये देख रहे हैं व्हाई जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इज इररिस्पॉन्सिबल इन सेइंग यूएन रोल इन कश्मीर। तो बाद में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को बाहर वापस ले लिया था और कहा कि ठीक है ये आपके अपने मैटर्स हैं, ठीक है, तो बाद में इन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखिएगा इस जो अभी रिसेंटली एक बार और होता है ऐसी घटना एक बार हुई है कि आज तक कोई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर बात करी है कश्मीर मुद्दे के ऊपर। तो एक बार बस डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर और तो किसी ने नहीं बात करी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्या किया था कि पाकिस्तान को साथ देते हुए उन्हें कहा कि चलिए मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपके कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाऊँगा। तो उसी समय पर हमारे जो मतलब हमारी इंडिया से जो रेस्पॉन्स आया वो यही था कि हमारे बायलैटरल मैटर्स हैं और आप भी इससे साइड रही है। तो जब से क्योंकि यूएस के जो ट्रंप जी थे, क्योंकि ट्रंप जी का जो आप देखेंगे वो थोड़ी रूल पॉलिसीज में थोड़ा सा उस चीज को नकार जाते थे कई बार, तो उसी वजह से उनको बाद में ये जब स्टेटमेंट गई तो उन्होंने भी बाद में ये माना कि यस ये एक बायलैटरल इशू है। और जब से यूएस ने भी इस बात को बायलैटरल इशू माना है तो किसी भी कंट्री में अब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस बारे में बात करना चाहती है। तो उसी तरीके से दोस्तों जब यहाँ पे अभी शहबाज शरीफ गए तो उन्होंने यहाँ पे वो एक जॉइंट स्टेटमेंट चाहते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री इसे यूएन के मैटर्स में खिंचवा दे बस, ठीक है। तो जब उन्होंने सऊदी अरेबिया में इस तरह का कोई स्टैंड रखा तो वहाँ के जो ये प्रिंस हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साफ कह दिया कि ये आपके बायलैटरल इशूज़ हैं, इनको आप लोगों सुलझाइए। इन्होंने भी उसे बायलैटरल इशू कहते हुए उसे आगे पास ऑन किया। इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर जब से अभी तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली इस तरीके की पाकिस्तान की हेल्प करने की मतलब बात करी थी ट्रंप जी के द्वारा, ठीक है, जब उसके प्रेसिडेंट ट्रंप रहे थे। उसके बाद में उन्होंने भी ऐसा कुछ वो स्टेप नहीं लिया क्योंकि इंडिया ने तुरंत ही उसके स्टेटमेंट पर ओवरकम किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ
कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये बड़े लीडर्स हैं जिनकी ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये था पूरा मुद्दा। उसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ जिस क्वेश्चन को आपका आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री अपॉइंटेड द कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी यूनियन मतलब विच यूनियन मिनिस्ट्री अपॉइंटेड, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के ऊपर एक कमेटी बनाई है। तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो जल्दी से मुझे ये आंसर करिएगा कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने ये काम किया है। तो चलिए, आप लोग नीचे कमेंट्स में इसका आंसर करिएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि हमारे उपहार बैच में अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है, कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो 6,999 लगेगी। अगर इन डेज के बाद आप लेते हैं तो आपकी 9,999 फीस रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड क्वायरीज हैं तो आप इसमें इस नंबर पर कॉल कर पूछ भी सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारे ओजांक गुरुकुल के कॉन्सेप्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं, साथ ही साथ आपको सभी सुख सुविधाएँ जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं एक स्टूडेंट के लिए वो सभी दी जाती हैं, तो आप ओजांक गुरुकुल में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी फ़ीस में भी अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ आपके अगर क्वेश्चन क्वायरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।